लास्ट वीडियो यानी डे वन में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हमने सीखा राम जाता है, राम गोज। और मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में ऐसे ही ऐसा आएगा, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लोरल है यानी बहुवचन है तो उसके साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सिर्फ इतना जान लेने से, हम कोई टेंस को हमने जान लिया उसको हमने यूज़ नहीं किया तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे, ना ही हम अपनी स्पोकन में, या वी कैन नॉट हैव द हेल्प ऑफ दैट सेंटेंस इन माई लाइफ, हम लोग उसकी हेल्प अपनी लाइफ में नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेली रूटीन। हर आदमी का एक डेली रूटीन होता है, तो हम एक जनरल सा डेली रूटीन लेंगे जो आप सभी का कभी ना कभी रहा होगा, कुछ का अभी भी होगा जो स्कूल जाते होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है। बाकी सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन। अभी जो ये सारा आपका सिस्टम है, ये सारा डेली रूटीन के जितने भी वाक्य आएंगे वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होंगे। वो कैसे, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। देखिए, अगर आप बोलते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आप रोज़ क्या करते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ, वहाँ से आकर मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, उसके बाद मैं पूजा करता हूँ, या उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ, स्कूल में मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, टीचर्स से मिलता हूँ, अपनी क्लासेस इंजॉय करता हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं घर पर आकर रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ और खाना खाता हूँ, फिर ट्यूशन चले जाता हूँ। ये एक सिंपल हुआ, पहले हमें सिंपल सीखना होगा। तो आइए सीखते हैं। तो ये चीज़ आप सारे आप देख रहे होंगे, जितने भी वाक्य मैंने बोले सभी वाक्यों के लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं। तो सारे वाक्य क्या हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुए। आपको चार्ट जो है, चार्ट से पता लग जाएगा कौन सा वाक्य कौन सा है। तो ये सारे वाक्य मैंने बताया था कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं आता है तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो विद नो डाउट कम टू द बोर्ड, हम यहाँ पर सीख रहे हैं। आप अगर अपने बारे में बताओगे तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? आई। आप अपने आप को क्या साउंड करोगे? आई साउंड करोगे। और जब आपने कहा मैं उठता हूँ, तो हमारे पास पता लग गया कि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में ऐसी आई एस लगता है, लेकिन कब? जब सब्जेक्ट एक वचन हो। लेकिन आई क्या होता है? बहुवचन होता है। आई बहुवचन क्यों होता है? मैं तो अकेला हूँ, लेकिन फिर भी आई को बहुवचन कहते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। आज आपको ये भी बता देंगे कि आई को बहुवचन क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप क्या कहोगे? मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई गेट अप, आई गेट अप। आपने कहा मैं 6 बजे उठता हूँ, तो आप क्या बोल सकते हो? आई गेट अप एट 6, मैं 6 बजे उठता हूँ। आपने कहा उसके बाद, उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ, उसके बाद के लिए आप क्या ले सकते हो? उसके बाद के लिए आप ले सकते हो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब क्या हुआ? उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या लिया? आफ्टर दैट ले लिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो भी वाक्य हैं अब उनको जोड़ना भी तो है, तो उनको जोड़ने के लिए आफ्टर दैट लगा दो, तो वाक्य जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है। तो आई गेट अप, मैं उठता हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू वॉक, उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ। आफ्टर दैट आई कम बैक होम, उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। आफ्टर दैट आई लीव फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। लीव माने छोड़ना, निकलना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार और देखिए, आई गेट अप, आफ्टर दैट आई गो टू वॉक, आफ्टर दैट आई कम बैक, आफ्टर दैट आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई लीव फॉर स्कूल। अगर आप ये चीज़ एक साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई गेट अप एट 6 एंड देन आई गो फॉर वॉक, आफ्टर दैट आई कम बैक होम, आई टेक बाथ एंड आई लीव फॉर माई स्कूल। ऐसा लगा जैसे आपको इंग्लिश आई, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरह प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही आप डेली रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी समझ होगी,
इसको पता लगेगा बनते कैसे हैं ये वाक्य। और ये रूल हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हर वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आ रहा है। क्लियर हुआ? अब हम इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने कहा आई लीव फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ, तो अब हम कहाँ आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं स्कूल में। तो अब हमें एक पोजिशन देनी होगी कि हम है कहाँ, तो हम क्या कहेंगे, इन स्कूल। क्या कहेंगे, इन स्कूल। इन स्कूल क्या करता हूँ मैं, स्कूल के अंदर मैं क्लास अटेंड करता हूँ, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, यानी आई अटेंड माई क्लास। उसके बाद यानी आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई मीट माई टीचर्स, आई मीट माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई इन्जॉय, मैं इन्जॉय करता हूँ। क्या इन्जॉय करता हूँ, आई इन्जॉय माई स्कूल, माई स्कूल डे, अपने स्कूल का दिन मैं इन्जॉय करता हूँ, या आई इन्जॉय माई स्कूल लाइफ। अब स्कूल के बाद, स्कूल के बाद का मतलब क्या हुआ, आफ्टर स्कूल, क्या हुआ, आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद क्या करता हूँ मैं लौटता हूँ। लौटने की क्या होती है, रिटर्न, वापिस होना, मैं वापिस आता हूँ। आई रिटर्न कहाँ से, स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, आई हैव लंच, मैं लंच लेता हूँ, आई हैव लंच। तो गाइज इस तरह से आप अपने डेली रूटीन कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली सेंटेंसेस बनाना ना सिखा के मैंने आपको यूज सिखाया, क्योंकि देखिए बिना यूज करे, अपने डेली लाइफ में बिना यूज करे आप चाहे कितने भी टेंस सीख लें आपको आएंगे क्लियर नहीं होंगे। क्लियर हुआ आपको? तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, आज हमारा टॉपिक है डेली रूटीन, जिसमें हमने सीखा कि हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक की लाइफ कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6, उसके बाद मैं घूमने जाता हूँ, आफ्टर दैट आई गो टू वॉक, उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ, आफ्टर दैट आई कम बैक माई होम, आई टेक बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, आफ्टर दैट आई लीव फॉर द स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। ठीक है, इन स्कूल, स्कूल में आई अटेंड माई क्लासेस, आई मीट माई टीचर्स एंड आई एंजॉय माई स्कूल लाइफ, मैं अपने क्लास अटेंड करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ और अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय करता हूँ। आफ्टर स्कूल यानी स्कूल खत्म हो जाने के बाद, छुट्टी होने के बाद, आई रिटर्न होम, मैं घर आता हूँ, घर वापस आता हूँ, आई हैव लंच, मैं क्या लेता हूँ, लंच लेता हूँ, आई हैव रेस्ट, मैं रेस्ट भी लेता हूँ। ठीक है, और आगे भी बना सकते हैं कि आफ्टर दैट आई गो टू ट्यूशन क्लासेस, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, इस तरह से हम सीख सकते हैं। तो डेली रूटीन आपको करीब करीब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे हमने सीखा क्या, हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव टेंस का इस्तेमाल करना। गाइज मैंने अभी आपको कहा था, अभी आपसे क्वेश्चन किया था कि आई बहुवचन क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ आई बहुवचन क्यों होता है। इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है, और इंग्लैंड में क्या है कि रानी की चलती है। रानी के सामने जब ये बात गई कि आई बहुवचन नहीं है, आई को हम एक वचन रख रहे हैं, तो रानी ने कहा मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ, रानी ने ये बात अपने ऊपर ली, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ, मेरे साथ इतनी सारी प्रजा है, इतनी सारी फोर्सेज हैं, सब कुछ मेरे अंडर में है, सब लोग मेरे साथ हैं, तो मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। तभी से आई को बहुवचन मान लिया गया, यू को भी बहुवचन का ही, बहुवचन यू को बहुवचन मानते ही आपको पता है। ठीक है, तो आई और यू दोनों को बहुवचन तभी से माना जाता है। ठीक है, तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने सीखा डेली रूटीन, और उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य का प्रयोग किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अभी यहाँ देखो हम सीख रहे हैं नेगेटिव, इसी वाक्य का नेगेटिव। आपने कहा मैं यहाँ नहीं आता हूँ, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, वाक्य ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि लास्ट में आया ताहूँ ती हैं, जो भी आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में तो नेगेटिव का रूल लगेगा। तो नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट उसके साथ डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट कब आएगा, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा। मैं क्या है, आई क्या है, बहुवचन, किसकी वजह से, रानी की वजह से, क्योंकि रानी ने कहा था मैं अकेले कैसे हो सकती हूँ, तो तब से आई क्या बहुवचन है, तो मैं बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट, आई डोंट भी कह सकते हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब आपको सब आपको बस सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते। आप आइसक्रीम नहीं खाते, आप
स्कूल नहीं जाते, आप ट्यूशंस नहीं जाते, आप किसी से मिलते नहीं हो, आप ये चीज़ पसंद नहीं करते हो, आप ये चीज़ नहीं करते हो, आप ऐसा नहीं सोचते हो किसी के बारे में, आप ऐसा नहीं समझते हो, जो भी आप नहीं करते हो वो आप क्या कहोगे, मैं ये नहीं करता हूँ। और जो आप नहीं करते हो वो क्या हो गया आपका, जो आपका डोंट है, जो आप नहीं करते, आई डोंट। तो जितना भी है आपके पास कि मैं नहीं करता, उन सबको आप इसमें यूज़ करें, तो ये इसका पार्ट, ये वाला पार्ट भी आपका पक्का हो जाएगा। आपने कहा मैं यहाँ नहीं आता हूँ, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, तो क्या सब्जेक्ट आएगा, आई, उसके बाद डू नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, आना, कम, आई डू नॉट कम हियर, हियर माने यहाँ, ठीक है, आई डू नॉट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आता हूँ। ऐसे ही मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, सब्जेक्ट कौन है, आई। जो चीज़ आप नहीं करते उसके लिए डू नॉट या डोंट लगा सकते हो। आई डोंट खाने की क्या होती है, ईट, और क्या नहीं खाते हो आप, आइसक्रीम, क्लियर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते, तो उन सब के लिए आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, ऐसे आप बोलते जाइए और जो जो नहीं करते बताते जाइए, तो यहाँ से आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो स्टार्टिंग होता है, भाई आपने एक बार बैट पकड़ना सीख लिया, फिर आप चौका भी मार लोगे, छक्का भी मार लोगे, तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आ गया तो समझ लो बाकी सारे सेंटेंस आपको यूँ आ जाएंगे चुटकियों में, अगर ये नहीं आया तो फिर बाकी कुछ नहीं आपको आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और इसको हम दो बार पढ़ेंगे, और उसका क्या रहेगा उसमें, अभी हम जो मेन फोकस हमारा है आई पे है, आई को लेके हमने डेली रूटीन कर लिया, आई को लेके हमने डोंट वाला सेशन कर लिया, आई को लेके ही अब हम इंटरोगेटिव वाला सेशन कर लेंगे। इंटरोगेटिव माने क्या है, इंटरोगेटिव अंदर की बात गेट करना, इंटरोगेटिव किसी से कुछ पूछना, यानी कि सवाल करना, सवाल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव बोलेंगे। इसको कैसे सीखते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी ऐसा शब्द जिससे लगे कि आपसे कोई सवाल कर रहा है। जैसे मैं कहूँ क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब से, कितनी देर से, कितनी बार, तो ये सब क्या है, इससे आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ जानना चाह रहा है, तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं कह के हम बोलेंगे सीधा डू या डज। डू कब आएगा, जब जिससे आप सवाल पूछ रहे हो, यदि वो बहुवचन है तो डू आएगा, और यदि जिससे आप सवाल पूछ रहे हो वो एक वचन है तो डज आएगा। एक वचन बहुवचन मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी फोकस कीजिए। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने कहा सबसे आसान सवाल, तुम क्या करते हो, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। व्हेनेवर यू मीट अ पर्सन यू आस्क दिस सेम क्वेश्चन, तुम क्या करते हो, जब भी किसी से मिलते हो आप पूछ लेते हो अक्सर, या वो आपसे पूछ लेता है तुम क्या करते हो, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है। और इसमें क्या है आखिर में, ते हो, इसलिए क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम भी अलग है, इसका नियम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन वर्ड शुरू में कब आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड शुरू में तब आएगा जब ये बीच में हो। अगर ये क्या शुरू में होता तो क्वेश्चन वर्ड साइलेंट हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। अगले सेंटेंस में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। क्या को क्या बोलते हो आप, व्हाट, तो शुरू में क्या आएगा, व्हाट। तुम कौन है, जैसे मैंने बताया था आई और यू रानी की वजह से क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए तुम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आता है, डू, तो व्हाट डू। फिर सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो तुम का मतलब यू। वर्ब क्या है, करना, करने की क्या होती है, डू होती है, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अब कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क एज इट इज लगा देंगे, तो सेंटेंस पूरा हो गया, व्हाट डू यू डू।
कैसे किया? क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश शुरू में आ जाएगी. व्हाट? फिर डू क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, डू आ गया. बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू आ गया. उसके बाद करने की क्या है? डू. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है. अगर होता क्या तुम पढ़ते हो, अगर होता क्या तुम पढ़ते हो, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो शुरू में आया. जब भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए, क्या क्या यदि शुरू में आएगा तो आप उसकी इंग्लिश वाक्य के अंदर नहीं लिखोगे और इस कॉलम, इस चीज को आप छोड़ दोगे. शुरुआत कहां से होगी? डू या डस से होगी. डू या डस से. डू कब आएगा? जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा. डस कब आएगा? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा. लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तुम. तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? डू. क्या आएगा? डू. उसके बाद सब्जेक्ट यू. उसके बाद वर्ब. वर्ब क्या है यहां पे? क्या काम हो रहा है? पढ़ना. तो डू यू स्टडी. ऐसे हम सीख सकते हैं. अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे हमने पिछले वाक्यों में किया और हमें और करना भी है, आपको भी करना है. मैं आपको तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन YouTube से हिंट लेके आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. तो अब आप सामने वाले से सवाल कितने कर सकते हो उतने आपने सवाल करने हैं. जैसे क्या आप डांस करते हो, तो क्या बन जाएगा? डू यू डांस. क्या आप आइसक्रीम खाते हो, तो क्या बन जाएगा? डू यू ईट आइसक्रीम. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वाक्य बना सकते हो. डू यू लाइक पिक्चर्स, डू यू लाइक मूवीज. क्या तुम मूवीज पसंद करते हो? लेकिन ये सारे वाक्य किस में बन रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहे हैं, क्योंकि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आ रहा है. तो गाइज, मैंने आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव पोर्शन बताया और उसका पॉजिटिव का तरीका बताया, डेली रूटीन सिखाया आपको, साथ ही साथ उसका नेगेटिव पोर्शन कराया और अब इंटरोगेटिव भी कराया. ठीक है, इसमें हम आज कुछ क्वेश्चन वर्ड आपको मैं सिखाने वाला हूँ और कुछ चार पांच वर्ड मीनिंग, जिससे आप काफ़ी एक्साइटमेंट फील करोगे. अभी देखते हैं आगे. ये दो क्वेश्चन वर्ड हैं, कितनी देर और कितनी बार. बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, पता नहीं होता क्या होता है. कितनी देर को बोलते हैं हम? हाउ लॉन्ग. ठीक है, और कितनी बार को बोलते हैं हम? हाउ ऑफ्टन. क्या बोलते हैं? हाउ ऑफ्टन. बहुत से लोग ऑफन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हाउ ऑफ्टन बोला जाता है. आपने कहा तुम कितनी देर पढ़ते हो, तो कितनी देर क्या हुआ? एक प्रश्नवाचक शब्द हुआ. क्या हुआ? प्रश्नवाचक शब्द. इसलिए ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछले रूल में देखा था. तो हाउ लॉन्ग. उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद? डू या डज में से कुछ आएगा. तुम क्या है? बहुवचन, तो क्या आएगा? डू. हाउ लॉन्ग सब्जेक्ट आएगा. फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग डू यू पढ़ने की क्या होगी? स्टडी. हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी. तुम कितनी देर पढ़ते हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी. राइट, तो इस तरह से आप बोल सकते हो. अभी एक वाक्य देखिए, कितनी बार. तुम वहां कितनी बार जाते हो? ठीक है, अब कितनी बार यहां पे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, बाहर आएगा. क्या होती है कितनी बार की? हाउ ऑफ्टन डू यू गो देयर. आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में. कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, वो मैं दोबारा बताऊंगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है, अगर आपको ये आ गया तो आपको बाकी सारे टेंस आ जाएंगे और बड़े ईजी है. सबसे टफ यही है. अभी से मैंने बहुत सारे टेंस आपको, बहुत सारी वेरिएशन है इसमें, बहुत तरह तरह की वेरिएशन है. जैसे राहुल की मम्मी राहुल से रोजाना कपड़े धुलवाती है और वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, और जब भी मैं पढ़ता हूँ वो मुझे परेशान करने लगता है. कई बार इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है. ये सब वाक्य भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इनके लास्ट में भी क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं. और हम ये सब सीखेंगे तभी हम स्पीकिंग कर पाएंगे. ओनली देन वी वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फैंटास्टिकली. सो गाइज, हाउ ऑफ्टन और हाउ लॉन्ग, यदि आपको यही नहीं पता होगा कितनी देर की इंग्लिश क्या है,
कितनी बार की इंग्लिश क्या है, तो आप ये सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको आज ये दो क्वेश्चन वर्ड सिखाए, कल मैं आपको और भी क्वेश्चन वर्ड सिखाऊंगा। आइए अब हम कुछ वोकैब सीखेंगे, ठीक है, वोकैब। अब वर्ड मीनिंग्स क्या है भाई, शब्द आपको नहीं पता होगा इंग्लिश में क्या बोलना है उसे, तो आपकी इंग्लिश थोड़ा सा वीक हो जाएगी। टेंस के साथ साथ दो चार वर्ड मीनिंग डेली आपको सीखने ही पड़ेंगे। एक तो जैसे गो है, कम है, गो, कम, सिट, स्टैंड, इन सब की ना सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। इसके लिए मैं आपको एक पेपर दूंगा, उसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कल मैं आपको दूंगा, और उसमें कॉमन वर्ड मीनिंग्स है, मतलब जो स्टार्टिंग में आपको आने चाहिए। इतना टफ वर्ड मीनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आपको डेली लाइफ के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो उसमें मिल जाएंगे। अभी हम कुछ ना आपको वर्ड मीनिंग सीखने का तरीका बता रहे हैं कि सीखते कैसे हैं, लिंक करेंगे उसको वर्ड मीनिंग्स को, ठीक है। पहले एक वर्ड लेते हैं हम, एक्स्ट्रा पेट। ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना हो सकता है आपको पता भी हो उसके बारे में। एक्स्ट्रा पेट माने क्या होता है आपको अभी तक नहीं पता, लेकिन आइए पता करते हैं, इसको हम लिंक करेंगे। हमने कहा ये एक व्यक्ति है जिसका क्या है, एक्स्ट्रा पेट है, जिसका क्या है, एक्स्ट्रा पेट। कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने एक्स्ट्रा पेट को हटाऊं, तो इसलिए एक्स्ट्रा पेट मीन्स क्या हुआ, रिमूव समथिंग। यदि आप कोई चीज हटाना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, आई वॉन्ट टू एक्स्ट्रा पेट, मैं हटाना चाहता हूं। यानी सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू एक्स्ट्रपेट द कास्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। आई वॉन्ट एक्स्ट्रपेट द कास्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। मैं भारत से कास्ट सिस्टम यानी जाति प्रथा को, जाति का जो सिस्टम है उसको हटाना चाहता हूँ, ठीक है गाइज। तो ये वर्ड मीनिंग हमने कैसे सीखा, एक्स्ट्रपेट को क्या कैसे पता लगा कि इसका मतलब हटाना है, क्योंकि एक्स्ट्रपेट को सभी हटाना चाहते हैं, तो उसको हमने लिंक किया, ठीक है। इस तरह लिंक करते हैं, जैसे एक वर्ड और सीखते हैं, ये वर्ड हम सीख चुके हैं, ठीक है। एक और वर्ड सीखते हैं, जैसे क्वैक। एक कंट्री है कुवैत, कुवैत का नाम सुना होगा आपने, कुवैत के अंदर क्या है, किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है तो अपने आपको डॉक्टर समझने लगता है। तो क्वैक माने क्या हुआ, यानी ऐसा डॉक्टर जो कि कुवैत में मिलते हैं, और कुवैत में कैसे डॉक्टर मिलते हैं, जिनको नॉलेज कम है लेकिन वो अपने आपको क्या समझते हैं, MBBS से भी ऊपर समझते हैं, तो यानी कम नॉलेज वाले डॉक्टर। यानी क्वैक माने क्या हुआ, कम नॉलेज वाले डॉक्टर। और कम नॉलेज वाले डॉक्टर को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कम नॉलेज वाले डॉक्टर को क्या, झोला छाप डॉक्टर। तो क्वैक का अर्थ क्या हुआ, झोला छाप। ठीक है, आपके मोहल्ले में कोई झोला छाप डॉक्टर है तो आप क्या कहोगे, ही इज अ क्वैक। क्या कहोगे, ही इज अ क्वैक। आप कह रहे हो कि झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाना, तो आप क्या कहोगे, डोंट गो टू क्वैक, डोंट गो टू क्वैक, डोंट गो टू क्वैक, क्वैक के पास मत जाना, यानी झोला छाप डॉक्टर के पास मत जाना। तो इस तरह से हम वर्ड मीनिंग सीखेंगे, लिंक करेंगे, और डेली मैं आपको दो या तीन वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा, ज़्यादा वर्ड मीनिंग मैं इसमें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं धीरे धीरे आप सीख पाओगे, दो वर्ड मीनिंग तीन वर्ड मीनिंग बहुत होते हैं, ठीक है। अभी एक वर्ड और सीख लेते हैं, जैसे एक वर्ड है सबैटिकल। सबैटिकल में आप देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे हम ये कह रहे हैं सब बातें कल, सब बातें कल क्यों, सब बातें कल क्यों करें, क्योंकि कल क्या है, छुट्टी है, इसलिए सबैटिकल का मतलब क्या होगा, हॉलीडे। क्या होगा, हॉलीडे। अगर आप कहना चाहते हो कल मेरी छुट्टी है तो आप सिंपली क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, अगर आप ये कहना चाहते हो कल मेरी छुट्टी है तो आप सिंपली क्या कहोगे, टुमारो आई हैव माई सबैटिकल। क्या कहोगे, टुमारो आई हैव माई सबैटिकल, ये कह दोगे, टुमारो आई हैव माई सबैटिकल। क्लियर। तो गाइज इस तरह से आप जो है सीख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स को, यानी लिंक करना सीख बोलते हैं इसको, वर्ड को लिंक करना। वैसे भी मैं आपको डायरेक्टली भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे, और इस तरह से आपकी वर्ड मीनिंग्स के साथ भी चलेगी, साथ साथ आपकी ग्रामर भी चलेगी। अब आपने सीखना है आज आपको क्या रिवाइज करना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया वो चार्ट, उस चार्ट को बार बार दोहराना है, उस चार्ट से आपको पहचान होगी सारे टेंसेस की,
प्रेजेंट इंडेफिनिट की खास बात है ता है ती है ते हैं, अभी हम उसी टॉपिक पे हैं। हमने उसका पॉजिटिव सीखा, पॉजिटिव सीखते हुए हमने डेली रूटीन करा, वो डेली रूटीन आपको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है साथ ही साथ बोल के भी देखना है। उसका नेगेटिव आप जो नहीं करते हो, जितनी भी चीज़ें आप नहीं करते हो वो सब आपको कॉपी पे लिखनी है, उनको ट्रांसलेट करना है और उनको भी बोलना है। फिर उसके बाद आप सामने वाले से कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको इंटरोगेटिव बताया है। इंटरोगेटिव में मैंने आपको हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफ्टन का यूज़ बताया है, कितनी बार और कितनी देर, ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। इतना आपसे मैं उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल टू लर्न एटलीस्ट दीज थिंग्स, तो हम जिससे कि हम आगे फर्दर क्लासेस कर पाएँ और इससे अच्छा कुछ सीख पाएँ। ये हमारा बहुत बहुत बेसिक है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, कई बार वो लोग भी गलती कर देते हैं, डू की जगह डज और डज की जगह डू लगाते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल बच्चे की तरह सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी यू नो हैप्पी जर्नी इन माई क्लास, एंड आई विश यू ऑल दैट यू मे लर्न you all may learn fantastic English for your future, and you may take help by these classes in your life, जिससे कि आप future में जाएँ और अपने अपने मुकाम हासिल करें, because English is something very very you know very necessary, very essential for today's life, and it's gonna support you anyhow in each and every way wherever you go. Everybody demands for English. So guys, हर कोई डिमांड करता है इंग्लिश की, एक छोटे छोटे जॉब के लिए आजकल इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाता है, तो इसलिए और अपने आप को भी आप देख सकते हैं, द सोशल मीडिया यू आर यूजिंग इट्स यू नो ऑलमोस्ट इन इंग्लिश, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आई जाएगी, तो उससे भी आप थोड़ा ग्रो कर सकते हो। ज़्यादा अच्छी सीख लेते हो तो उससे आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो गाइज सीखते रहिए और गुनगुनाते रहिए, कीप शेयरिंग लाइकिंग एंड एन्जॉइंग माई क्लासेज। थैंक यू ऑल।